हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जी के नाइस विद अर्जुन सर। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप सभी जानते हैं, सुबह की इस वीडियो में ऐसी खबरें होती हैं जो शिक्षक भर्ती और अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं से जुड़ी होती हैं और आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं। तो चलिए सभी महत्वपूर्ण जानकारियों को देख लेते हैं। सबसे पहली जो महत्वपूर्ण जानकारी, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अधिकारी असमंजस में किस भर्ती परीक्षा को लेकर हैं वो देखेंगे। UPSC ने संशोधित रिजल्ट जारी किया और LT ग्रेड पेपर लीक मामले में जेल में बंद अंजुलता कटियार को लेकर न्यूज़ है, उसको देखेंगे। उत्तर प्रदेश में 1 लाख भर्ती जल्द है, योगी की तरफ से बयान है, और 2800 प्रवक्ताओं की भर्ती जल्द, और टुडे जॉब अलर्ट, आज की जॉब के बारे में देखेंगे, और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी में वे जानकारी आएंगी जिसमें जो थंबनेल पर नहीं आ पाती हैं। तो फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और एंड तक ज़रूर देखें सभी महत्वपूर्ण जानकारी इस वीडियो में। चलिए देख लेते हैं। तो असमंजस में ही उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अधिकारी और कर्मचारी, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग UPSC में CBI की जांच 5 दिन तक चली। गहन पड़ताल ने अधिकारी और कर्मचारियों की नींद उड़ा दी है। CBI की कार्रवाई के दायरे में कौन आएगा, क्या कार्रवाई होगी, इसको लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। गुरुवार को अधिकारी व कर्मचारी CBI की कार्रवाई को लेकर आशंकित रहे, उन्होंने डर सता रहा। हाईकोर्ट में अपना पक्ष मजबूत करने के लिए CBI जल्द ही कार्रवाई शुरू कर सकती है। अगर ऐसा हुआ तो उसकी जद में कई अधिकारी व कर्मचारी आ सकते हैं। इसके मद्देनज़र सभी बचाव का रास्ता खोजने में जुट गए हैं। कुछ तो खुद के खिलाफ कार्रवाई होने पर कोर्ट में याचिका दाखिल करने की तैयारी कर रहे हैं। इसके लिए कानूनविदों की सलाह ली जा रही है। CBI की टीम लोक सेवा आयोग द्वारा 2012 से 2016 तक की कराई गई सारी परीक्षाओं, जारी किए गए परिणामों की जाँच कर रही है। तो 2012 से 2016 के बीच में जो परीक्षाएं कराई गई हैं UPSC की ओर से, उनको लेकर CBI जांच चल रही है जिसमें कई अधिकारी व कर्मचारी नप सकते हैं। तो ये न्यूज़ था UPSC को लेकर। और UPSC ने 142 पदों का जारी किया परिणाम। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने राज्य नियोजन संस्थान के अंतर्गत सहायक सांख्यिकी अधिकारी पद का संशोधित परिणाम जारी किया। इसमें 26 अभ्यर्थियों का और चयन हो चुका है। कुल चयनितों की संख्या बढ़कर अब 142 हो गई है। रात हमने इसका अपडेट आपको दे दिया था। इसमें कुल 373 पदों के लिए भर्ती निकली थी और उसमें मात्र 142 का ही चयन हो पाया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो फ्रेंड्स, 1 लाख पदों पर भर्ती प्रक्रिया जल्द, योगी। उत्तर प्रदेश को लेकर यह लेटेस्ट न्यूज है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि प्रदेश में सरकारी विभागों में खाली पड़े 1 लाख पदों पर भर्ती जल्द प्रक्रिया शुरू की जाएगी। भर्ती में कम पूंजी में अधिक रोजगार मुहैया कराने की योजना पर तेजी से काम चल रहा है। एक जिला एक उत्पाद योजनाओं में इसमें अहम रोल अदा कर रहा है। पत्रकारों से संवाद कार्यक्रम में CM ने प्रदेश के विकास पर खुलकर विचार रखे। उन्होंने बताया कि 2.5 साल में प्रदेश सरकार ने 2.25 लाख सरकारी नौकरियाँ लोगों को दी हैं। 5 माह में ही 1 लाख पदों को भरे गए हैं। 1 लाख अन्य सरकारी पदों पर भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। प्रदेश में 2 लाख करोड़ के निवेश से आई कंपनियों ने उत्पादन शुरू कर दिया है। इसमें सीधे 5 लाखों को नौकरी मिलेगी। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से 20 लाख लोग रोजगार से जुड़े हैं। डिफेंस कॉरिडोर में 25,000 करोड़ का निवेश होने जा रहा है। तो जल्द ही 1 लाख पदों पर भर्ती होने वाली है उत्तर प्रदेश में, अच्छी न्यूज है। तो 1 लाइक तो बनता है। और UPSC ने असिस्टेंट प्रोफेसर कृषि अभियंत्रण का रिजल्ट जारी किया। उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग UPSC ने बृहस्पतिवार को असिस्टेंट प्रोफेसर कृषि अभियंत्रण के 5 पदों का अंतिम चयन परिणाम जारी कर दिया। आयोग शुक्रवार को वनस्पति विज्ञान का रिजल्ट जारी कर सकता है। एहसास के महाविद्यालयों में विज्ञापन संख्या 47 के तहत असिस्टेंट प्रोफेसर 1150 पदों पर भर्ती के लिए आयोग ने दूसरे चरण का इंटरव्यू 23 सितंबर से चल रहा है। बृहस्पतिवार को 3 विषय अंग्रेजी, भूगोल और कृषि अभियंत्रण विषय के अभ्यर्थियों का इंटरव्यू था। तो इसमें कृषि अभियंत्रण का रिजल्ट जारी किया गया है UPSC की ओर से, और गलती सुधारी, 26 नए अभ्यर्थियों का चयन, ये तो हमने आपको अपडेट दे दिया है। सहायक सांख्यिकी अधिकारी का जो चयन रिजल्ट जारी किया था संशोधित, इसमें रिजल्ट जारी किया गया और उसमें 26 नए अभ्यर्थी और उत्तीर्ण हो गए हैं। तो अच्छी न्यूज है। और फ्रेंड्स, सहायता अपराध महाविद्यालयों में 2800 प्रवक्ताओं की भर्ती जल्द। प्रदेश के 331 सहायता अपराध महाविद्यालयों में करीब 2800 प्रवक्ताओं की भर्ती जल्द होगी। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा के निर्देश के बाद उच्च शिक्षा परिषद
के साहित्य अपराध महाविद्यालयों में प्रवक्ता भर्ती की कायदा शुरू की गई है। प्रदेश के 331 साहित्य अपराध महाविद्यालयों में शिक्षकों के 12,879 से करीब 5,379 पद रिक्त हैं। प्रदेश में उच्च शिक्षा में साहित्य अपराध महाविद्यालयों की भूमिका सबसे अधिक है। बीते दिनों राजधानी में आयोजित बैठक में उप मुख्यमंत्री ने यह निर्देश दिया। तो ये अच्छी न्यूज है, 2800 पदों पर भी वैकेंसी निकलने वाली है और 1,00,000 पदों पर भी वैकेंसी निकलने वाली है। तो गाइस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, और भी अन्य महत्वपूर्ण जानकारी हैं। चलिए अब देख लेते हैं अल्टी ग्रेड पेपर लीक मामले को लेकर क्या न्यूज है। तो गाइस जैसे कि आप सभी जानते हैं, अंजू कटियार ने दूसरी जमानत अर्जी दाखिल की थी कोर्ट में, लेकिन वह भी खारिज कर दी गई है। अल्टी ग्रेड पेपर लीक मामले को लेकर लेटेस्ट न्यूज है, जिसमें कल सुनवाई हुई थी। अल्टी ग्रेड शिक्षक भर्ती के प्रश्न पत्र आउट करने के मामले में जेल में बंद बर्खास्त परीक्षा नियंत्रक अंजू कटियार की जमानत के लिए प्रस्तुत दूसरी अर्जी भी खारिज हो गई है। विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण रामचंद्र ने अपने फैसले में कहा है कि आरोपी द्वारा अपने द्वितीय जमानत प्रार्थना पत्र में कोई नवीन आधार नहीं लिया गया है। उक्त मामले और तथ्यों की परिस्थिति गंभीरता व अपराध की व्यापक सामाजिक अपराध की दृष्टिगत रखते हुए न्यायालय को यह निष्कर्ष है कि अंजू कटियार की दूसरी जमानत अर्जी स्वीकार किए जाने योग्य नहीं है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की पूर्व परीक्षा नियंत्रक अंजू की पहली जमानत अर्जी 6 जून 2019 को खारिज हो चुकी है। आरोपित की जमानत का विरोध ADG राजीव सिन्हा विनय कुमार ने की। बता दें कि हिंदी तथा सामाजिक विषय का प्रश्न पत्र आउट करने को लेकर लोक सेवा आयोग की तत्कालीन परीक्षा नियंत्रक अंजू कटियार, प्रिंटिंग प्रेस के संचालक कौशिक कुमार कई समेत 9 लोगों के खिलाफ 26 मई को चोलापुर थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था। STF और क्राइम ब्रांच ने कौशिक कुमार को वाराणसी से गिरफ्तार किया। पूछताछ के दौरान पर्याप्त साक्ष्य हाथ में आने के बाद क्राइम ब्रांच ने 28 मई प्रयागराज से अंजू लता कटियार को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया। दोनों आरोपी तभी से जेल में बंद है। इस प्रकरण में दोनों आरोपितों के खिलाफ आरोप पत्र भी प्रेषित किए जा चुके हैं। और अंजू का दावा, परीक्षा नियंत्रक की नहीं रहती कोई भूमिका। अंजू कटियार की ओर से दाखिल दूसरी अर्जी में खुद को निर्दोष बताया। यह भी कहा गया है कि परीक्षा का परिणाम घोषित करना और न घोषित करना इसका निर्णय लोक सेवा आयोग द्वारा किया जाता है। इसमें चेयरमैन और सदस्य अलग से होते हैं, परीक्षा नियंत्रक का कोई भागीदारी नहीं होती है। सेवाकाल के दौरान उनके द्वारा किसी भी तरह का कोई भ्रष्ट आचरण नहीं किया गया और न ही विभागीय स्तर से इस प्रकरण के पूर्व में कोई कार्रवाई हुई। अभियोजन पक्ष की दलील है थी कि गिरफ्तार के वक्त STF को कौशिक कुमार करने बताया था कि पूर्व में पेपर आउट होने पर प्राप्त धनराशि में से 26 मई 2019 अंजू लता कटियार को उसके हिस्से के 10,00,000 रुपए दिए गए थे। अंजू कटियार द्वारा अपने पदीय कर्तव्यों का निर्वहन नियमानुसार नहीं किया गया। प्रश्न पत्रों में मुद्रण व्यवस्था की गोपनीयता रखने की संपूर्ण जिम्मेदारी इन्हीं की थी। अनुचित लाभ के लिए कौशिक कुमार के साथ मिलकर प्रतियोगी परीक्षाओं के पर्सन आउट कराए जाते थे। तो ये था लेटेस्ट न्यूज़ अल्टी ग्रेड पेपर लीक को लेकर। चलिए अब आज की जॉब के बारे में देख लेते हैं, क्या अच्छी जॉब निकली हुई है। तो गाइस वैकेंसी निकली हुई है FCI में, भारतीय खाद्य निगम में 330 मैनेजर पद। अंतिम तिथि इसकी 27 अक्टूबर 2019 है और शैक्षणिक योग्यता किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से ग्रेजुएट या समकक्ष योग्यता। वेबसाइट है FCI.gov.in, इसकी वेबसाइट पर जाकर आप विजिट कर सकते हैं। तो अच्छी जॉब है ये FCI की, भारतीय खाद्य निगम में। और DRDO में पद निकले हैं 240, स्टेनोग्राफर व अन्य पद हैं। 15 अक्टूबर इसकी अंतिम तिथि है। शैक्षणिक योग्यता किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड विश्वविद्यालय संस्थान से 10वीं बारी या समकक्ष योग्यता। वेबसाइट DRDO.gov.in पर आप विजिट कर सकते हैं, ये भी अच्छी वैकेंसी निकली हुई है। और NIT में हमीरपुर में 71 टेक्नीशियन एवं अन्य पद पर वैकेंसी निकली हुई है। अंतिम तिथि 28 अक्टूबर 2019 है और इसकी वेबसाइट पर आप विजिट कर सकते हैं, NITH.ac.in, ठीक है। और BECIL में 33 रेडियोग्राफर व अन्य पद पर वैकेंसी निकली हुई है। 14 अक्टूबर 2019 इसकी अंतिम डेट है। इसकी वेबसाइट पर भी जाकर आप विजिट कर सकते हैं, इसके बारे में अच्छे से अध्ययन कर सकते हो और आप ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। तो ये था आज का जॉब अलर्ट और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी जो हमने आपको अपडेट करा दी है। तो गाइज वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। आज 200 प्लस लाइक होने चाहिए वीडियो पे, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज की वीडियो में इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।